एसीटी देसी पे आज का एपिसोड भी एक स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज मैं फिर से एक ऐसे कॉमन और अनकॉमन इंसान को जो लेके आया हूँ, जो कैनबरा में काफी टाइम से हैं। उनके एक्सपीरियंस बहुत रिच हैं एंड डाइवर्स हैं, और कहने को तो वो एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन बैकग्राउंड उनके इंजीनियरिंग से है। इंजीनियरिंग से आर्टिस्टरी तक और इंडिया से कैनबरा तक का सफर कैसा रहा, और उसमें हम क्या क्या उनसे सीख ले सकते हैं या क्या क्या हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, वो हम जानेंगे आज के एसीटी देसी के एपिसोड पे। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर सुखविंदर सग्गू जी, और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी जो जर्नी थी वो किस तरह से थी, और जस्ट लाइक अ टॉक शो। सो वेलकम टू यू सुखविंदर जी, आपका स्वागत है एसीटी देसी पे। 97 में मैं सिडनी में था 3 4 साल। वहां फिर मैंने आके यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से आईटी का ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया था। जी मुझे जॉब आईटी, वैसे मुझे जॉब सिडनी में मिल गई थी फेडरल गवर्नमेंट की, मगर मुझे आईटी के बेस पे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में जब आईटी के बेस पे ऑफर हुई तो मैं यहाँ मूव कर गया। तो ये जो 4 साल के बाद हाँ, नहीं, तो आप सिटीजन तब तक बन चुके थे, क्योंकि फेडरल बन जॉब गया था, तो फेडरल जॉब बन तो गया था। सिटीजन में मैं उस मिलती है। समय जो सिटीजनशिप की जो कंडीशन थी ना, वो जी 2 साल थी। 2 साल में 5 साल में से 2 साल आप रहे होने चाहिए और 1 साल कंटिन्यू रहे होने चाहिए। तो बस जब मुझे जॉब ऑफर हुई थी तब तक मैं बना नहीं था, मगर जब तक वो ज्वाइनिंग की उनकी डेट थी तब तक मेरी हो गई थी, तो अच्छा फिर तो मूव कर गया था। मगर मैं पहले, उससे पहले मैं जॉब ज्वाइन कर चुका था। वहां पे कंडीशन वो सख्त नहीं थी कि आप उस समय तक चाहिए, वो आपको कह सकते थे कि आप लो, मगर उसके बाद में कंपलसरी हो गई। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट में आप बिना सिटीजनशिप नहीं कर सकते। तो फिर 90, अब 20 साल हो गए मुझे कैनबरा में। तो जी अभी 2 साल हो गए मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, अब रिटायरमेंट मैं तो ली। हम थोड़ा ना थोड़ा हम पीछे चलते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। और मैं एक्चुअली मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था आपकी वेबसाइट पे जो आपने बनाई है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, और वो ये चीज ये थी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजीनियरिंग आप पेंटिंग किया करते थे, और आपको इंटरेस्ट आया, तो क्या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे या किस तरह नहीं, से? मैं ऐसा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें अच्छा मुझे पहले 2 साल तो सभी कुछ पढ़ना पड़ता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, जी सभी कोर्स पढ़े मैंने। तो उसके बाद में 1 साल में स्पेशलाइजेशन होती थी, उसमें सम एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से आते थे। उसमें चीजें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से मैच करती हैं, मैकेनिकल से मैच करती हैं। तो इसमें इसमें लिखा है कि तो आपकी जो आप जो पेंटिंग किया करते थे वो आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग में आपके हेल्प होती थी, तो वो थोड़ा टाइम का कुछ बताइए मुझे। जी वो उसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो मुझे ड्राइंग करने का शौक था। मेरे बड़े भाई थे, उनको भी शौक था। तो वो मेरे से अच्छा बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे, तो उनको साइंस की कॉपीज होती थी ना प्रैक्टिकल की, उसके काफी मार्क्स होते थे, जो ईयर 10 11 12 11 तक होता था उस समय से। तो उसको 2 3 रुपए मिल जाते थे, वो किसी की कॉपी देते थे। मुझे लगता यार इसको पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो मैं भी अपने स्पेयर टाइम में वो करता रहा। वो जो जब टीन एज होती है ना आपकी, तो आपको कुछ एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कुछ चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव काम मिल गया, अगर आप उसमें लग गए तो आप उसको डेवलप कर लेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत ही उसमें परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है, आपको लोग अप्रिशिएट करना लग जाते। तो मैं जो छुट्टियां होती थी तो उसमें मैंने वो जो ग्लॉसी मैगजीन होते थे, स्टार डस्ट, फिल्म फेयर वगैरह, उसमें से हीरो हीरोइंस की पिक्चर्स देख के वो बनाते, तो दोस्तों को दिखाते, वो कहते यार ये तो हेमा मालिनी लग रही है ना। तो उससे थोड़ी होने शुरू हो गई। तो ऐसे ही किसी ने मुझे कहा कि तू ये पोर्ट्रेट बना सक, मैंने बनाया, तो उसके मुझे मिल गए। तो उससे उस समय मैं ईयर 11 जस्ट फिनिश किया था। जी तो उसी के बाद में मैं यूनिवर्सिटी गया, तो वहां जाके फिर मेरे को कुछ मेंटर ऐसे मिल गए कि जिन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम पोर्ट्रेट, किसी ने मुझे कोई पोर्ट्रेट दे दिया। तो वो मेरे काम मेरा चलता रहा वो, और मैं काफी पोर्ट्रेट बनाए और काफी अच्छे बनाए और काफी पैसा भी कमाया उसमें। मुझे जी उसके बाद में 17 साल की उम्र के बाद में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसे पॉकेट मनी मांगने की। तो इसलिए मैंने उसका मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला, और कॉन्फिडेंस भी यूनिवर्सिटी में आता भी है। उसका मुझे बहुत फायदा मिला, जी बहुत फायदा मिला।
तो आप सब लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं एसी डीसी का एपिसोड, सबू जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जब यूथ होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उसको चैनलाइज अगर हम अच्छी जगह पे करें या एक सही कंस्ट्रक्टिव दिशा में करें, तो फायदा तो अपने आप को होता ही है, बट उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे साइड इफेक्ट होते हैं, वो ये हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लेते हैं। अभी जो टाइम हो गया वो ये हो गया कि मैं आपको एक और गाना सुनाऊं, और उस गाने के बाद हम और आगे आएंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से जो पेंटिंग का जो सफर चालू हुआ वो कैसे आगे बढ़ा, और जैसे इन्होंने बीच में हमें बताया है कि 17 साल की उम्र में इनको फिर पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कैमरा कैसे आना हुआ, तो वो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 3 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। मैं बस यूं गया और यूं आया, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे, तो आप ड्रॉइंग और पेंटिंग तो उस टाइम पे कर लेते थे, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि प्रॉपरली प्रोफेशनली पेंटिंग या आर्ट्स, आर्ट विजुअल आर्ट्स का किया जाए, या आपने किया या मुझे नहीं पता? नहीं, मैं उस समय तो सेमी प्रोफेशनल था, मेरे पास हमेशा काम रहता था, हमेशा ज्यादातर मेरे पास कमीशन्ड काम होता था, या किसी का कुछ बनाना होता तो इसलिए मुझे पता होता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसके मुझे पैसे मिलने। मगर बीच मैं कुछ अपने मन से भी पेंटिंग बनाता था जब मुझे, मगर ज्यादातर क्योंकि मैं पोर्ट्रेट बनाता था तो पोर्ट्रेट आम लोगों के मैं बना के रख तो सकता नहीं, किसी का भी अगर मुझे अच्छा भी लगता तो वो ऐसे ही कुछ यारों के लिए बनती थी, और कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना कहीं से कोई कमीशन मिल जाता था, एक बन के गई तो कई और आ जाते थे। तो उस समय मैं ये सोचता था कि उसमें ना स्ट्रगल बहुत था, जो मैं देख रहा था कि जो आर्ट है उसमें ना स्टैटिक आपकी जो इनकम है वो ना कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें आप ये मेरे को तो अच्छा लगता, मुझे तो बिना कुछ दिए बनाए जो मैं तो करता रहूंगा, मुझे अच्छे लगता है, मगर बाकी जो आपके साथ में जो आपकी फैमिली है उसको सबको चाहिए ना, तो आपको भी चाहिए, बिल तो आपने भी पे करने हैं, तो क्या के नहीं है, अगर ये साथ में जॉब हो इसको साइड पे करते रहो तो एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे फिर आप छोड़ सकते हैं इसको। तो फिर मैंने सोचा था वह ये कि ऐसे करें करेंगे, मगर वो फिर वहां होता तो शायद मैं थोड़ा पहले छोड़ गया होता, तो 100% आर्ट में कूद गया होता, मगर यहाँ पे थोड़ा आगे फिर वो 5-7 साल का रहा, तो आपने बेसिकली फिर, आप तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपरली फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स की ऐसे कुछ आपने ट्रेनिंग ली, कि नहीं आप सेल्फ सेल्फ लर्न नहीं पर्सन है? नहीं नहीं सेल्फ लर्न है, मगर उसमें एक आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि नेचर एक ऐसी चीज है, अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है ना, जो चीज आप शिद्दत से और दिल से चाहते हैं ना, वो नेचर आपकी हेल्प करती रहती है। तो मुझे उस समय जो हमारे नॉर्थ में जो हमारे खास के जो पंजाबी और सिख आर्टिस्ट थे, सरदार शोभा सिंह जिनके चित्र मशहूर चित्र हैं, तो उनसे मुलाकात मेरी बहुत बार हुई थी। तो एक बार उन्होंने मेरा पेंटिंग देखी वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे पास आ सकता है, तो मैंने ये आप सुनिए कि वो मैंने सोचा कि मुझे ये तो मैं चाहता हूँ, तो मैं कैसे कि आप मेरे को, क्योंकि मुझे पता था वो किसी को सिखाते नहीं, तो मैं उस समय उनके पास एक एक महीना एक कंटिन्यूसली जाके रहा था, वो मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, चित्रकारी नहीं थे, कि फिलोसफर भी थे, उन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ा होता, उससे मुझे लिटरेचर पढ़ने की हैबिट पड़ गई, तो उन्होंने जो फलसफे बताए मेरे को वो मेरे सारी लाइफ काम आ रहे हैं, अब भी काम आ रहे हैं। तो चलिए इस तो ऐसे इसी टाइम इसी इसी बात पे, सॉरी मैं आपको ब्रेक दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये फलसफे जो आप बोलेंगे ये मैं अपने अगले सेक्शन में लेके जाऊंगा, बिकॉज मैं आपसे कुछ और फलसफे जानना चाहूंगा जो आपके अभी तक काम आ रहे हैं, और मैं जितना आपसे बात कर पाया हूँ और जितना जानता हूँ आपको, मुझे आप बड़े सुलझे हुए इंसान लगते हैं, तो आई थिंक ये फलसफे अभी जरूर आपके लिए काम कर रहे हैं। ये क्या फलसफे हैं एसीटी देसी पे आपको भी पता चलेंगे, लेकिन इस गाने के बाद कहीं जाएगा नहीं। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आर्जे विकास के साथ, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुखविंदर सग्गू, एक आर्टिस्ट, एक फोटोग्राफर, एक पेंटर और वेटरन इन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैं अभी वापस आता हूँ। तो
आप बता रहे थे इन फिलोसोफर के बारे में, इनका इनका नाम बताइए जिनकी आप बात कर रहे हैं, थोड़ा कुछ इनके बारे में बताइए। ये है सरदार शोभा सिंह, पद्मश्री सरदार शोभा अच्छा जी, सिंह। हाँ, ये इन्होंने सिख गुरुज की जो जितनी फेमस पिक्चर्स आपने देखी हैं, जैसे ये गुरु नानक देव जी की बहुत मशहूर पिक्चर है, वो क्रिएट की हुई है। प्लस इन्होंने एक वो सोनी महिवाल एक तस्वीर है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, तो वो काफी इनके मास्टर पीसेज हैं जो काफी पंजाबी घरों में आपको मिलेंगे। तो वो समय जब मैं उनसे मिला था तो ही वॉज 83, तो वो 3-4 साल मेरा मिला तो था मैं उनसे जब वो तकरीबन 80 ईयर के थे, जी, जब डेथ हुई उनकी 86 अच्छा ईयर जी, के, तो वो 5-6 साल मेरा उनसे जाना होना मिलते रहे हैं, मगर बातें होती रही, मगर वो आर्ट्स की बात नहीं, ऐसी नहीं होती थी, मगर वो 83 मैं उनके पास जाके रह के आया था 1 महीना। तो उसके बाद में फिर मैं रेगुलरली जाता रहा, फिर वो मुझे भी बुला लेते थे कि आ जाओ आप कुछ ड्राइंग्स करनी है या कुछ आपके इंटरेस्ट का काम है। मैंने एक बार बोला कि आपकी मैं एक तो पेंटिंग देखना चाहता हूँ जो आप शुरू करें और एंड तक, तो उन्होंने अच्छा बोला कि आओ। एक बार मैं गया कि अच्छा ड्राइंग तुम करो, फिर मैंने ड्राइंग की, मेरे 5-6 बार उन्होंने ड्राइंग करेक्ट कराई भी है, इतनी कम होनी चाहिए, फिर उन्होंने वो पेंटिंग मेरे सामने शुरू की, फिर मैंने वो उनको कंप्लीट करते हुए देखा। तो एक बहुत सा बढ़िया सा बॉन्ड उनके साथ हो गया था। लकली आप ये भी सोचे कि जिस टाइम वक्त उनकी डेथ हुई, आई वाज ऑन हिज बेड साइड, मेरे के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था कि इतने महान आर्टिस्ट के साथ मुझे जी उनको देखने, रहने उनके साथ बातें शेयर करने का मौका मिला। तो जी चीजें उन्होंने मुझे वो बात आपकी है, आपने फुल टाइम काम क्यों नहीं किया ये आर्ट का, उन्होंने मुझे बोला था। जी जब उनको मैंने बताया कि मैं मास्टर कर रहा हूँ शुरू किया है, तो उन्होंने मुझे जो बात बोली ना, पंजाबी में कहते हैं कि आधी कोई कसर थी भी इतना पढ़ लिया, क्या जरूरत थी। तो हाँ जी मैंने कहा देखिए 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 सरदार जी, बात ये है कि अब ये 2 साल का मैं कोर्स करूंगा तो मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी, अच्छी गुड पेइंग जॉब है, तो उसमें मैं अपना आर्ट भी साथ में करता रहा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये डिसीजन अगर लेगा ना तो 10 साल के बाद में पछताएगा नहीं, बल्कि 10 साल का स्ट्रगल जरूर तेरे लिए रहेगा। तो मुझे वो लगा कि वो बिल्कुल सही बात थी, मगर वहाँ वो उस समय 24 साल की उम्र में आप सोचते नहीं कि मैं 10 साल और स्ट्रगल करूंगा, लाइफ सॉरी और काफी पीछे चली जाती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है ना, ये होनी बहुत जरूरी ज्यादा है, तो जरूरी है। जी उसके लिए आप उसी उसी एज में आप काम कर सकते हैं उसके। अब मेरे अब जब जैसे ही आप 50 के बाद होते हैं, आपका काम से मन स्टार्ट होता जाता है टैलेंट कि और स्किल्स, इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कि टैलेंट होना जरूरी है तो स्किल आप शार्प कर सकते हो, या सिर्फ टैलेंट से काम चल जाता है? देखिए मेरे को ना अभी तक, देखो अभी तक मेडिकल साइंस ने टैलेंट का जीन नहीं निकाला, उन्होंने जी फाइंड आउट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि टैलेंट का कोई जीन है, मुझे लगता है कि ये नेचर एंड नर्चर है, दोनों चीजें हैं, उसका सुमेल है। क्योंकि आप जब मैंने आपको अभी मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रो होते देखा है कि अपना तो अपने को पता ही होता है कि मैं किस हालात से निकला हूँ, मगर मैं अपने बच्चों को तो पूरा ऑब्जर्व करता रहा हूँ ना। तो मैंने कभी अपने दोनों बच्चों को एक भी ऐसे लाइन मारनी नहीं सिखाई, मैं सच बोल रहा हूँ ठीक है, मगर मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे थे, मगर उनका उनका मन नहीं था, मेरी बेटी का बिल्कुल मन नहीं था, मगर अब वो बोटेनिकल ड्राइंग कर सकती है अच्छा जी, ठीक है। इजी हो गया है आपकी, मेरे लगता है कि देखो हमें हमारे में ना वो इंस्टिंक्ट होता है सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि जब मैं लिख सकता हूँ तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं गा सकता हूँ, अगर मैं तुड़ सकता हूँ तो मैं नाच सकता हूँ ठीक है। मुझे इसी से स्टार्ट हो गई ना, उसी के उसको आपने उसको उसमें आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है, वो कंटिन्यूस करनी है ठीक है। अब देखो रिसर्च ये है कि अगर आप किसी भी कोई भी आप में कुछ भी आप करना चाहते हैं चीज, उसमें 10,000 घंटे की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं ठीक है ना। ये तो सच है, आप किसी को गोल्फ खेलना सिखाना शुरू कर दो उसको, वो 10,000 वो टाइगर वुड की तरह सारे तो नहीं, एक आध शॉट जरूर मार लेगा ठीक जी है। तो इसलिए आप देखो स्किल सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है,
आपकी जो पूरी लाइफ है ना, ये फिलोसफी बता रहा हूँ आप, बिल्कुल, पूरी लाइफ है ना वो स्केल बेस पे चलती है और किसी बेस पे नहीं चलती। आपकी स्केल चाहे आपकी, देखिए आप ये आपको आवाज और शब्दों का सुमेल पता है तो आप देखिए रेडियो प्रोग्राम कर सकते हैं, कर रहे हैं ना, क्योंकि आप बातें जोड़ सकते हैं। मैं दो सेंटेंस इधर से इधर नहीं जोड़ सकता तो मैं बात क्या करूंगा आगे ना। तो ये एक ये आपके स्केल है, आप इसको नर्चर करते रहते हैं, ठीक है ना। आप इसके लिए आप क्या करोगे, और लिटरेचर पढ़ोगे और बढ़िया लोगों को सुनेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, करेंगे ना। अगर वो करेंगे आप पॉलिश होते जाएंगे। आपका पहला प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे पॉज देना था, कहाँ पे बोलना था, होता ना। तो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। ऐसे सभी चीजों में हर एक चीज आपकी लाइफ में स्केल पे जानी है और किसी अंतर से नहीं होनी। स्किल से मुझे एक बड़ा अनरिलेटेड सा एक टॉपिक मुझे याद आ गया स्किल से, बिकॉज हम स्किल की बात कर रहे हैं और स्किल बेस्ड वीजा आप भी आए हैं और स्किल बेस्ड वीजा में मैं भी आया हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जब हम दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल, मैं मतलब फन में बहुत बात कर रहा हूँ कि स्किल बेस्ड पे आते हैं तो नॉर्मली जिस स्किल बेस्ड पे हम वीजा पे यहाँ पे आते हैं उसमें तो हमें जॉब मिलती नहीं है, वो स्किल पे आते हैं हम तो फिर उस स्किल का फिर क्या फायदा हुआ? देखिए एक चीज होती है, देखिए हर हर जगह पे हर चीज की जरूरत डिमांडिंग होती, ठीक है। ये कोई भी स्किल जो है, अब देखो हम मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं, चाहे वो इंडिया है चाहे यहाँ पे, जिस चीज की डिमांड है उसकी वैल्यू है, जिसकी डिमांड नहीं है उसकी जितनी मर्जी सप्लाई आप कर दो उसकी वैल्यू कम 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 होती जाएगी। तो इसलिए वो जो है ना वो चीजें हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जो आपने स्किल ली है ना वो गई नहीं गई, वो आपके यूज होगी किसी और तरह से होगी। क्योंकि एक एक डिग्री मैंने कोई ली, वो तो एक सब्जेक्ट नॉलेज ली ना। नॉलेज तो देखो हर 2 साल में चेंज होती जाती है, ठीक है। आप कितने अपडेट करोगे अपने आप को, जब तक आप उसको नहीं करते तो आप अपडेट नहीं रख सकते अपने आप, वो भी डिमांड करता है कहाँ पे कितनी है। तो स्किल्स आपकी जाती नहीं है, मगर इसीलिए जब मैं देखता हूँ अब जब हम 8-10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक साथ में, जब मैं 10वीं पढ़ता था तो मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, पंजाबी लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, इतनी सारे सब्जेक्ट थी, मैथमेटिक्स था, ठीक है। आप उसके बाद में आप देखो आपने वो सभी तो देखने, मगर आपको सभी चीजों का थोड़ा 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 आपकी बैक माइंड पे तो ज्ञान है ना। अगर आपको कहीं लगता है यार ये अब पढ़ना है तो आपने पहले पढ़ा हुआ तो आप आगे पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, कोई भी स्किल हो जाती है। बाकी तो देखो बहुत सी चीजें हैं जो दिमाग से होती हैं, उसके लिए ही कुछ ना कुछ चाहिए, बाकी तो शरीर बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। आप बहुत से काम शरीर के हैं उसमें कितनी स्किल चाहिए, ठीक है। सो इसलिए आप ये नहीं सोचो, मगर आपकी डेवलपमेंट जो हुई हुई है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो आप कहीं छोड़ के नहीं आए ना, तो साथ में लाए, उसी पे ही आपने आगे बिल्ड करना। करेक्ट। तो बेसिकली है कि ब्रिज ऑफ स्किल्स आप बनाते चले और जो आपकी स्किल्स है वो आपके पास है। कहते हैं ना कि जब इंसान साइकिल चलाना एक बार सीख लेता है तो वो कभी भूलता नहीं है, चाहे वो 20 साल के बाद भी चलाए तो साइकिल को चलानी आती है। लेकिन ये नहीं है कि आप 20 साल से साइकिल नहीं चलाई तो आप साइकिल अब चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आप नहीं, यही है ना, फिर आप ये कहोगे कि मैं माउंटेनिंग साइकिल नहीं कभी चलाई, ठीक है ना। साइकिल तो वही है, बिल्कुल, ठीक है ना। फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे ना, बिल्कुल। तो इसलिए वो नहीं घबराने की बात। मगर एक और चीज है, डिफरेंस है यहाँ और वहां पे। आप ये देखिए, हम नहीं कह सकते कि यो चीज यहाँ पे है ये उसका स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये है वहां पे वो है, वो वहां पे था ये यहाँ पे, बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि यार मैं वहां पे ये था वो यहाँ पे वो है ही नहीं। आप कहोगे कि मैं वहां पे था डिप्टी कमिश्नर था, वहां पे IAS था, IAS है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप कहोगे क्या करोगे, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें तो आप कह रहे हो सही हैं, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है और आप कोई भी चाहे जॉब करें, देयर इज अ मिनिमम वेज, देयर इज एन इक्वल डिग्निटी एंड एवरीवन हैज दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट एनी प्रोफेशन और एवरी प्रोफेशन हैज। तो स्किल्स जो आपकी है वो आप अपने पास संभाल के रखिए, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहिए, बिकॉज एक दिमाग भी एक मसल है जिसको एक्सरसाइज की जरूरत है और वो आपके ही काम आता है किसी भी सिचुएशन में,
तो स्किल्स डेवलप करते रहिए, और स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ ये गाना सुनिए, और इस गाने के बाद मैं वापस आऊंगा। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी। क्योंकि जी अब ये हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ गए, मुझे पता है आप भी थोड़ा बिजी हैं, और मेरे मुझे टाइम दिखा रहा है मेरे रिकॉर्डिंग में कि मेरे को भी फटाफट रैप अप करना है। तो आप, मैंने आपका देखा कि आपने थोड़े टाइम पहले ईव की एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बनाई है, दो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के कि चीफ मिनिस्टर एंड्रू बार का जो आपने दो पोर्ट्रेट बनाया था, और वो उन्होंने शायद अनवील भी किया था, तो ठाक बिल्कुल सिमिलरिटी उनके अंदर, जो उनकी रियल में वो खड़े हैं और जो पिक्चर में खड़े हैं, वो आपकी ऑलमोस्ट सारी जो पेंटिंग करते हैं उसमें दिखाई देता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप फोटोग्राफी भी करते हैं, तो फोटोग्राफी और पेंटिंग दोनों में से ज्यादा मुश्किल कौन सी है, और ज्यादा थोड़ी सी आसान कौन सी? मुझे पता दोनों में एक आर्ट चाहिए, एक आंख चाहिए जो एक आर्टिस्ट में होती है, लेकिन आजकल हर किसी के मोबाइल में कैमरा और हर कोई एक डायरेक्टर और एक मैं कह सकता हूँ कि एक फिल्म मेकर बना हुआ है, लेकिन जो एक बिल्कुल जो आंख कहते हैं आर्टिस्ट की, जो आपके बारे में आपके हिसाब से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और पेंटिंग, इन दोनों में से आपके ए ज्यादा पास क्या है, बी आसान कौन सा है? नहीं देखो, मेरे को देखो पेंटिंग जो है वो तो आपको बहुत सीखनी पड़ती है, मैं तो आपको पहले अपने हाथ के और ब्रेन के काम के पूरे मसल ट्रेन करने पड़ेंगे, तो बहुत देर लगती है, ठीक है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सभी में देखो जो बेस है वो पेंटिंग ही है, क्योंकि उनका जो है या जो कंपोजिंग करते हैं वो सब कॉमन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो लाइट है, क्योंकि फोटोग्राफी लाइट, वो लाइट का जो अब तरीके हैं वो पुरानी पेंटिंग से लेते हैं, लेकिन वो सिनेमाटोग्राफी में बहुत यूज होती है। अभी उस पेंटिंग में ये कलर थे, ये लाइट थी, तो वो उनसे इंस्पायर होते हैं, वो लेते हैं फोटोग्राफर। ज्यादातर जो फोटोग्राफर मैं जानता हूँ जो बनते हैं ना, वो पहले पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उनको उसमें पेशेंस और टाइम चाहिए, और घर वाले उस समय भी कहते हैं जरा पढ़ो, ये कहाँ लग गया इसमें, तो भूखे मरोगे ना। तो वो धीरे धीरे आप फोटोग्राफी में लोग बेटर होते जा रहे हैं, उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो उसमें आप सॉफ्टवेयर आ गया, आप पहले तो डेवलप करना पड़ता था, आपको फोटो खींचनी भी सीखनी आनी चाहिए, तो उसको डेवलप करना भी आना चाहिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आ गया, तो इसलिए वो अब थोड़ा इजी हो गया है कि आपके पास सॉफ्टवेयर है, आधा काम वो कर देता है, आधा आप नहीं करना में है, तो कला तो सेम ही है। अच्छी पेंटिंग पिक्चर आप फोटोग्राफ देखते हो तो आपको पता चलता है यार इसमें कितनी मेहनत हुई है, दिमाग लगाया, ये ऐसे नहीं है मैं और कलेक्ट किया, वो तो कोई कोई लकी शॉट होता है, वरना वो भी क्रिएट ही करना पड़ता है, वो भी उसमें तो, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मैं आपको नेचर की करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे को हमेशा मैं हर किसी से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे 2.5% से भी कम इंडियंस होंगे या एक कम्युनिटी है, इतनी सारी एसोसिएशन की जरूरत है क्या? देखो भैया, इसमें एक छोटी सी बात यह है कि ये जो हमारा कंट्री है ना इंडिया, ये कंट्री नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है। यदि आप देखिए ना कितनी भाषाएं हैं, कितने डिफरेंट कल्चर हैं। हम देखो, मैं अगर नॉर्थ से साउथ जाता हूँ ना जी, तो रास्ते में इतनी चेंज देखता हूँ, पहरावे में, खाने में, भाषा में, ठीक है ना, बोलने चालने में, हर चीज में वो इतनी बड़ी चेंज होती है ना, तो आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, अपने जब हम यहाँ कहीं भी घर से बाहर होते हैं, हमें अपने कंट्री में फर्क नहीं पड़ता है जी, अपने में फर्क नहीं पड़ता, अपने बड़ी दो तीन स्टेटों में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आस पड़ोस की जो स्टेट होती है मैं क्रॉस करता हूँ, तो आधी लैंग्वेज मुझे समझ आती है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो बाकी हमारी जो सारी माइथोलॉजी या हमारी जो स्टोरीज हैं वो जो सब सेम है, तो इसलिए हमारा खाना पहनना सेम है, पहनने में थोड़ा फर्क हो जाता है, मगर हमें पता है कि हमने कैसे किस तरीके से हम लोग पहनते हैं या खाते पीते हैं, वो सब चीजें हमें होती है। मगर जब हम बाहर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको एक पहले ही हम दूसरे कल्चर भी बहुत डिफरेंट हो गया, लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट होगी, उसमें सिमिलैरिटी कुछ नहीं है। हाला हमें पढ़नी बोलने लिखी सीखी है, मगर
यहाँ का एक्सेंट डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है, हम वर्ड पे स्ट्रेस डिफरेंट तरह देते हैं, हमारा कई बार बोलना ऐसे लगता है कि हम शाउट कर रहे हैं, है ना, जी हमारी भाषा में वो नॉर्मल है। सो वो चीजें जब होती हैं तो फिर आप ना हम हमारी ना एज ए एनिमलिस्टिक बिहेवियर जो है ना, क्योंकि हम जानवर से निकले हुए हैं, हमारा कोर ब्रेन अभी भी जानवर का ही है, जी ठीक है ना, तो इसलिए हम हर्ड मेंटेलिटी है, एक जैसे कि साथ में हम निकलते हैं। होना क्या है कि हर कोई अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, उसकी लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इससे डिफरेंट है तो मैं भी आप प्रेजेंट करूं, तो इसलिए थोड़ा सा सभी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, फिर लोगों के पर्सनल इश्यूज आ जाती हैं, ये शायद अच्छा काम नहीं कर रहे, शायद मैं बढ़िया कर दूं, ठीक है। तो दूसरा जो जो चेंज है ना, वो तो आपको मैं अपनी फिलोसफी बता देता हूँ कि आदमी, बट आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ ये सब पॉइंट जो आप कह रहे हो सही है, कि एक तरह की जो लैंग्वेज है या एक तरह का जो कल्चर है, लोग बाहर आते हैं तो आप मिलते हैं बात करते हैं, लेकिन हिंदी एसोसिएशन भी 50 होंगी, पंजाबी वाली भी 50 होंगी, गुजरात में भी 40 होंगे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये अलग अलग क्यों है, ये एक क्यों नहीं हो सकते, हिंदी वाले एक साथ आ जाए, पंजाबी वाले एक बना लें, या सारे एक साथ आ जाए। ये प्रॉब्लम है ना कि हम जो वहां से निकले हैं ना, हम ठीक है ना, हाँ जी तो प्रॉब्लम यही है कि हम हर बंदा कह रहे सोच डिफरेंट, हम एक ही जगह से तो आए नहीं, एक ही जगह से भी आएंगे तो डिफरेंट सोच होगी, तो यहाँ पे हर देखो इंसान जो है ना, इसको थोड़ी ना हमेशा ये लगा रहता है कि मुझे कुछ ना रिकॉग्निशन मिले, मुझे कोई अप्रिशिएट करे, ठीक है ना, इसीलिए देखिए हम लोग सबसे पहले कितना अच्छा तैयार होकर सब निकलते हैं, अभी फेसबुक इसीलिए पॉपुलर है, यू कैन शोकेस योरसेल्फ व्हाटएवर द, ठीक है ना, तो इसलिए लोग वहां पे करते हैं, तो लोग एक दूसरे को जज करते हैं, देखते हैं, वहां से ट्रेंड शुरू होते हैं, ठीक है ना, अब चीजें शुरू होती है, इसलिए हम लोग जो है ना इस तरफ ध्यान रखते हैं कि यार मेरे को मिले तो मैं ये नहीं, मैं अपना खड़ा कर दूंगा, ये है वो, मतलब ये कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है, मतलब फिर बात, मतलब बात फिर यही हुई ना कि कम्युनिटी से ज्यादा पर्सनल के लिए इंसान कर रहा है, पर्सनल ईगो है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सुखी जी, आपने अपना टाइम दिया, और हमारे सारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स जो इसको फेसबुक पे देखेंगे, वो शायद अपना फीडबैक दें मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना फीडबैक दें और मेरी तरफ पहुंचाएं, ताकि कम्युनिटी को बहुत सारी चीजें जो शायद सुपरफिशियली नहीं पता चल रही हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू पता चलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुखी जी, आपने अपना टाइम दिया, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। मैं भी एक मिनट थैंक यू कर दूं भैया, विकास ये है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि मेरा, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, मैं तो जो लोग हूं है ना, वो कहता है अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, बस तो वही वही इंसान कम रह गए हैं सर, उन्हीं को ही ढूंढना है मुझे, और मेरा जो एसीटी देसी का जो एजेंडा वो यही है कि अपनी धुन में रहने वाले और सबको साथ लेके शायद चल पाने वाले इंसान ही मैं ढूंढ रहा हूँ, जिनके पास थोड़ी छुपी हुई प्रतिभा हो, जो कुछ अच्छा निकल के आए कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनने में आती है ना कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है जो शायद मैं एसीटी देसी के थ्रू लेके आऊँ, तो इसीलिए आप मेरे हिसाब से, तो जैसे मैंने बोला कि ये शो ही कॉमन लोगों का है, कॉमन पीपल का, आई एम अ कॉमन पर्सन, आई डोंट हैव एनी एफिलिएशंस, और ये बनाया इसलिए था ताकि एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज और हम बातचीत कर पाए और एक दूसरे के साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर पाए, और जैसे कहते हैं ना, आपने ही बोला कि कम्युनिकेशन स्किल करना बहुत जरूरी है, तो जब तक हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, हम सुनेंगे वो जो लोग सुनाना चाहते हैं, ये नहीं जो हम सुनना चाहते हैं, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, मैं आपसे फिर मिलूंगा दोबारा, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक हम मिलते हैं दोबारा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।